भाई लोग, ये हमारे फ्री फायर गेम का बरमूडा मैप एंड इस मैप के प्लेसेस एंड हाउस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं सिवाय भीमा शक्ति के टावर को छोड़कर। पर लेकिन क्या होता जब बरमूडा मैप के प्लेसेस एंड हाउस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते और उन घरों में कई सालों से कोई भी ना रह रहा हो, तो ये सारी जगह एकदम घास फूस उग जाती और घर एकदम खंडहर जैसे हो जाते, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता। पर लेकिन हम लोगों को कैसे पता कि भाई कैसा दिख रहा हो, तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं, यानी कि एआई की मदद से हम लोग अपने इस फ्री फायर के मैप के हाउस को क्रिएट करने वाले हैं एकदम खंडहर जैसे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं इस इंटरेस्टिंग चीज को। भाई लोग, अगर आप ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हमारे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहता है फ्री फायर गेम से रिलेटेड। तो भाई लोग, हमारा फर्स्ट प्लेस है क्लॉक टावर, जो कि गेम में कुछ ऐसा दिखता है। अगर ये रियल लाइफ में होता और यहाँ पर कई सालों से कोई ना आता जाता हो, तो ये समय के साथ में धीरे धीरे ऐसा खंडहर में बदल जाता, और जब बरसात का मौसम आता तो भाई कितनी सारी घास यहाँ पर हो जाती और क्या ही तो अमेजिंग दिखाई दे रहा है। और ये है हमारे गेम का भीमा शक्ति का टावर, और यहाँ पर भी समय के साथ में कोई ना आता जाता तो देख सकते हो कितना खतरनाक भाई ये कन्वर्ट हो जाता है एकदम खंडहर जैसा। और ये है हमारी गेम की फैक्ट्री, और अगर ये रियल लाइफ में होती और यहाँ पर कोई ना आता तो भाई देख सकते हो सड़क के आसपास में कितनी सारी घास और फैक्ट्री की दीवारें भाई कैसे टूट गई है, आर पार उसके दिखाई दे रहे हैं। और ये है हमारा ग्रेवयार्ड, और ये भी रियल लाइफ में होता और यहाँ पर भी कोई ना आता जाता तो ये भी समय के साथ में भाई क्या ही तो भूतिया टाइप में कन्वर्ट हो जाता, और इसके पास में काफी सारी झाड़ियां उगाई हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। और ये हम सबका फेवरेट प्लेस पीक, एंड ये अभी ऐसा है और कुछ समय के बाद में ये भी भाई खंडहर जैसा हो जाता, और इसके बाद में जब बरसात के मौसम आते और यहाँ पर बारिश होने के बाद में भाई कितनी सारी झाड़ियां उग जाती और क्या ही तो भाई अमेजिंग लुक दिखाई दे रहा है इसका। और ये है पीक के अंदर जाने वाला मेन गेट, और ये कुछ ऐसा है, और ये भी भाई बरसात के साथ में अंदर से कितना ज्यादा डरावना हो जाता, इसके अंदर भी काफी सारी झाड़ियां उग गई। और ये हमारा फैक्ट्री के टॉप यानी कि फैक्ट्री के छत पर की लोकेशन, और ये कुछ अभी ऐसी है बट लेकिन आगे चलकर ये कुछ ऐसी हो जाती, यानी यहाँ पर इतनी सारी झाड़ियां उगाई है और कैसे टूट फूट गई है फैक्ट्री, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा मैजिक दिखाई दे रही है। ये हमारे गेम की ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन, और ये भी कुछ अभी गेम में ऐसी है, अगर यहाँ पर भी कोई कई सालों से नहीं आता जाता तो ये भी धीरे धीरे समय के साथ में टूट फूट जाती, गाड़ियां भी कैसे टूट फूट गई है और कितनी सारी झाड़ियां उगाई है बगल में, और अगर आगे जब चल के बरसात होती, बरसात के बाद में यहाँ पर देख सकते हो भाई सब कुछ हरा भरा हो जाता, यानी कि पूरी की पूरी तरफ से यहाँ पर काई पड़ गई है, घास फूस उगाई है, पूरा का पूरा ग्रीन हो रखा है। और ये है हमारे गेम की कटुलिस्थिवा की लोकेशन, जो कि अभी कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पर कई सारे घर है जो कि ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर भी समय के साथ में भाई देख सकते हो कई सारी झाड़ियां झंकालियां यहाँ पर उगाती और घर भी टूट फूट जाते, और बगल में आप देख सकते हो मिट्टी का कितना बड़ा पहाड़ बन चुका है भाई, एक नंबर जो कि दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे गेम की हैंगर की लोकेशन, जो कि कुछ अभी ऐसी दिखाई दे रही है गेम में, पर लेकिन ये रियल लाइफ में होती और यहाँ पर भी कोई ना आता जाता हो तो ये भी समय के साथ में काफी ज्यादा बदल जाती, यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी घास उगाई हैं और गाड़ियां टूट फूट गई हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही है। तो भाई लोग, ये थी हमारे गेम की कुछ ऐसी लोकेशन जिनको हमने एआई की मदद से कन्वर्ट किया एकदम खंडहर टाइप में, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहे थे। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो का पार्ट टू देखना चाहते हो, तो अपने फ्री फायर गेम के बरमूडा मैप की किसी एक लोकेशन का नाम कमेंट कर देना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊँ तो जो भी प्लेस का आपने नेम कमेंट किया था तो उसी प्लेस को एआई की मदद से मैं कन्वर्ट करूंगा। और हाँ भाई लोग, आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं सभी का कमेंट रीड करने वाला हूँ और आपके कमेंट से बताए गए प्लेसेस को ही पिक करने वाला हूँ।